आपको सब लोग देख रहे हैं, देखिए मिलिए हमारे सब्सक्राइबर से मिट्ठू, देखो हाय करो मिट्ठू, मिट्ठू हाय करो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। तो यहाँ की सुबह हो चुकी है और हमने आज चद्दर निकाल दिया क्योंकि आज है संडे, तो काफी ज्यादा कपड़े धुलने हैं। बेडशीट भी हमने निकाल दी है दोनों कमरे की बेड की। तो यहाँ पे हमारे गोलू खेल रहे हैं और इनका भी कपड़ा हमने ले लिया है क्योंकि एक ही साथ सारे कपड़े मशीन में डाल देंगे तो, और वैसे भी नहाने का भी टाइम हो रहा था तो इनको नहाने भी जाना था, इसलिए भी कपड़े उतारे हुए थे। देख सकते हैं कितने ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हुए हैं। इस वाले कमरे में आज हमने ये वाली चद्दर डाल दी है। ये वाली चद्दर प्योर कॉटन की है लेकिन इसमें एक कमी है, इसको चूहों ने कुतर दिया था जब हम छोड़ के गए थे गर्मी के मौसम में। तो बेड पे बेडशीट हमने बिछा के छोड़ दिया था, हमें नहीं पता था चूहे कुतर देंगे लेकिन चूहे इस तरह से इसको कुतर दिए हैं। तो जहाँ जहाँ ज़्यादा बड़ा था वहाँ पे हमने सिल दिया है, सिलाई कर दी है, बाकी तागा भर दिया है। तो आज हमने सोचा कि यही वाली चद्दर डाल देते हैं, क्या हुआ कट गया है थोड़ा सा, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमा ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड कैसे हैं, आई होप आप लोग भले चंगे होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे सुरक्षित। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और अभी हम मतलब एक घंटा हुए नहा के आए हुए, बच्चे भी नहा चुके हैं, यहाँ पे बैठे हैं, मिल लीजिए। हेलो करो, क्या कर रहे हो? हेलो। और गौरी, गौरी भी नहा चुकी है और बच्चों की आज छुट्टी है, आज संडे है तो बच्चे अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं कुछ। तो संडे का फायदा उठाते हुए हमने अपना ब्लॉग शुरू कर दिया है क्योंकि आज मोबाइल हमारा फ्री रहता है, तो आज बच्चों का क्लास नहीं चलता है इस वजह से मोबाइल फ्री रहता है। तो खाने की सभी तैयारी हमने कर दी है, खाने में बनाएंगे कढ़ी चावल और रोटी, कढ़ी बनाएंगे प्याज और बेसन और दही वाली कढ़ी बनाएंगे, उसके साथ चावल रोटी बनाएंगे, ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे, सिंपल सा बना लेंगे। घर के सभी सदस्य नहा चुके हैं, दो लोग से आप लोग मिल ही चुके हैं, हम अपना वीडियो शुरू कर दिए हैं, हमको आप देख ही रहे हैं। चलो अब मिट्ठू से मिला देते हैं अपने प्यारे प्यारे। ये हमारे मिट्ठू नहा चुके हैं और बहुत अच्छे से नहाए हैं, थोड़ा सा घमौनी ले रहे हैं, धूप में इनको रखा गया है। और मिट्ठू जैसे ही सब लोग उनकी वीडियो बनाना शुरू करते हैं तो अपनी पीठ पीछे कर लेते हैं, बहुत शर्माते हैं हमारे मिट्ठू। मिट्ठू ओ छोनु मुनु, छोना मुना, छुन छुन, छोनी छोनी, छुन छुन, ओ छोना, नहीं नहीं हो गया छोना का, क्या छोना का मौनी ले रहे हैं क्या, बहुत शर्मा रहे हैं छोना, छुन छुन, छुन छुन, छुन छुन। तो फ्रेंड अभी बच चुके हैं दोपहर के 12 और खाना बनाते बनाते लगभग 2 घंटे 1.5 घंटे लग चुके हैं, मतलब 1.5 घंटे लग गए कुल मिला के। और इसमें मतलब बच्चों ने खा भी लिया है, अभी हम दो लोग बचे हैं खाना खाने के लिए और यहीं पे सब मंडली जुटी हुई है, मिट्ठू है यहीं पे, हम हैं। हाँ, हरी मिर्ची नहीं खाएगा तो सारी मंडली यहीं है, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए मिट्ठू के पास, ये देखिए गोलू और गौरी ने, दोनों लोग ने खाना खा लिया है, अभी हम और ये बचे हैं। तो चलिए हम लोग भी खाना खा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से ढेर सारी बातें होती रहेंगी, बने रहिए वीडियो में शाम तक। तो आज के खाने में बना था कढ़ी चावल रोटी और थोड़ी सी सब्जी है, सब्जी ये कल रात की बनाई थी कद्दू की तो बच गई थी, हमने अपनी प्लेट में रख ली है क्योंकि हम जो है फेंकेंगे नहीं क्योंकि सब्जी इतनी ज्यादा महंगी हो गई तो फेंकना नहीं, फ्रिज में रखा था, इसको गर्म करके रख लिया है। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खा लीजिए, हम तो जा रहे हैं खाने, आप लोग भी आइए। तो फ्रेंड हमारा सारा काम हो चुका है, आप लोग सोचते होंगे कि हम अपने वीडियो में रेसिपी वगैरह क्यों नहीं शेयर करते हैं क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा देखते ही नहीं है, इसकी वजह से बहुत कम शेयर करते हैं, जो भी बातें वगैरह होती हैं क्या करने जाते हैं वो सब शेयर करते हैं। अगर 8 मिनट की वीडियो रहती तो आप लोग 2 ही मिनट देखते हैं, तो 2 मिनट की वीडियो में क्या बनाएं क्या दिखाएं, कम से कम 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है अगर हम रेसिपी वगैरह शेयर करते हैं। क्योंकि अभी दोपहर के बज चुके हैं, एक सबका खाना हो चुका है,
हमारा और पतिदेव जी का दोनों लोग का खाना हो चुका है। वो मोबाइल चलाने गए हैं, लेटने गए हैं और हमने सोचा कि वीडियो में थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं। तो दोपहर का पूरा काम निपट चुका है, अब शाम से वीडियो स्टार्ट करेंगे। कपड़ा बाहर डाल दिया है सूखने के लिए, ढेर सारा कपड़ा धुला गया था, तो हमने सोचा बात करते हुए नहीं बताएंगे, आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करेंगे। और तो यहाँ पे हो चुकी है शाम, शाम की चाय सब लोग पी रहे हैं। आज काढ़ा नहीं बना था क्योंकि आज दूध था, तो हमने चाय बना दी थी। वैसे काढ़ा बच्चों को नहीं पसंद आता, जबरदस्ती पिलाते हैं। तो यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। अभी भी शाम के टाइम भी बहुत ढेर सारा काम है, क्योंकि जो बाहर कपड़ा हमने डाला था, आधे से ज्यादा हमने कपड़े फोल्ड करके रख दिए थे। जो कपड़े नहीं सूखे थे उसको हमने उलट पलट के डाल दिया है। तो बाकी जो चद्दर वगैरह थी सब सूख गई थी, जो मोटे कपड़े थे, मोटे कपड़ा मतलब हमारे जैसे मैक्सी वगैरह, नाइटी वगैरह, ये सब नहीं सूखा था, तो इसको हमने बाहर ही रख दिया था। तो हम ला रहे हैं कपड़े उतार के, और ये गए हैं सब्जी लेने मार्केट। अभी हो चुकी है एकदम से शाम। तो फ्रेंड अभी बज रहे हैं शाम के 7 और आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हम अपने तकिया जो थी, ये देखिए हमारी तकिया एकदम से बेकार हो चुकी थी, इसकी सारी रुई हमने खोल डाली। तकिया एक्चुअली हुआ क्या था, तकिया फटी हुई थी तो रुई बेकार हो गई थी। तो हस्बैंड ने बताया कि ये रुई ठीक हो सकती है, तुमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलो भैया थोड़ी सी मेहनत तो लगी, लेकिन रुई फिर से ठीक हो गई। आप देख सकते हैं रुई एकदम बिल्कुल नई हो चुकी है। इसको हम तकिया में भर देंगे फिर से और वापस से हमारी नई जैसी तकिया बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी रुई जो है इसमें भर दी थी, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए। और ये जो इतनी सारी रुई आप लोगों को दिख रही है, इसको भी इसी तकिया में डालते हैं। तो चलिए रुई को भर लेते हैं तकिया में, उसके बाद तकिया सिल लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं खाने में ज्यादा कुछ। तो यहाँ पे हमने तकिए में रुई डाल दी है, बस इसको अच्छे से सिल देंगे। सिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन दोनों तरफ से अच्छे से मोड़ मोड़ के हम इसको सिल देंगे। तो यहाँ पे हमारी तकिया सिल चुकी है अच्छे से, इसको हमने पीट दिया है एक डंडे से और बराबर हो गई है रुइयां। तो इसके ऊपर से कवर चढ़ा देते हैं। हमारी तकिया अच्छे से तैयार हो चुकी है, फिर से नई हो चुकी है। तो यहाँ पे ये सब्जी लेके आ चुके हैं, सब्जी के साथ साथ इन्होंने नमकीन वगैरह लाई थी क्योंकि घर में खत्म हो चुकी थी। दही भी लाए थे बच्चों के लिए, चॉकलेट भी लाए थे, ताला लाए थे और मच्छर की दवा भी लाए थे क्योंकि मच्छर आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लग रहे हैं। मिट्टू के लिए भुट्टा आया था और हम लोगों के लिए सब्जी आई थी। सब्जी 2 दिन से खत्म थी, इसलिए हमने सुबह जो है कढ़ी बनाई थी। कढ़ी बनाने पे ना ही सब्जी की जरूरत होती है ना ही दाल की, क्योंकि सबको पसंद है कढ़ी, तो सब लोग अच्छे से खा लेते हैं, बच्चों को भी पसंद है, तो दाल और सब्जी की जरूरत नहीं होती है कढ़ी बनाने पे। सो गाइस अभी बज चुके हैं 10 और सबका खाना पीना हो चुका है। सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, गौरी गोलू और पांडे जी और हमारे मिट्टू भी यहीं बगल में बैठे हैं। तो इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता, सब लोग साथ में हो और वीडियो का एंड हो। तो अभी बज चुके हैं 10 और सबका खाना पीना हो चुका है, ये तो बता ही चुके हैं, दोबारा बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। और किचन का काम भी समेट दिया है। वैसे आज रात काफी ज्यादा हो चुकी है मस्ती मजाक में, सब्जी वगैरह जब जिस दिन आ जाती है काम ज्यादा हो जाता है। तो रात तो अपनी है, मजे से जो है अपना काम करिए, अच्छे से करिए और जब मन करे सोइए, जब मन करिए उठिए, रात में कोई दिक्कत नहीं होती। देर सुबह जल्दी रहती है, इनको ऑफिस जाना रहता है इस वजह से, लेकिन रात में कोई लेट लतीफ का चक्कर नहीं रहता है। 9 बजे खाना खा लेते हैं, 9:30 बजे 10 बजे तक खाना खा लेते हैं। और इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी सी वीडियो के साथ। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब करिए देखते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं, तो फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।